पर बना दे रिवाज अरहर की दाल सहज और टमाटर डालकर बहुत टेस्टी दाल बनती है। तो सहज काट लेंगे, टमाटर और सहज काट लिए और यहाँ पर लहसुन छीले है, थोड़ा सा सूखा नारियल ले लिया और अरहर की दाल मैंने पकने के लिए रख दी है। जब तक दाल पक रही तब तक मैंने सारी तैयारी कर ली है, कड़ी पत्ते हरा धनिया सब कुछ ले लिया है। अब फटाफट से लगा लेते हैं तड़का। तो यहाँ पर 2 चम्मच ऑयल ले लिया, इसमें डाला है राई और जीरा। जैसे राई जीरा चटकने लगा तब डालेंगे हम कड़ी पत्ते। तो कड़ी पत्ते मैंने पत्ते तो ऊपर नहीं डाले हैं क्योंकि मुंह पर उड़ाते हैं, ताजे कड़ी पत्ते रहते हैं ना, इसलिए साबुत ऐसे ही डाल दिए हैं। और जैसे ही चटकने लगा तब डालेंगे हमें लहसुन और सूखा नारियल जो कूट कर रखा था वो डालकर हम इसे मिला देंगे। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने के बाद इसके अंदर डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और इस तरह से इसे मिला देंगे। अब तुरंत ही डालेंगे हरा धनिया और सहज, साथ में डाल दिया, अब इसे इस तरह से मिला देंगे। अब डालेंगे कटे हुए टमाटर, अब इस तरह से इसे मिला देंगे। अब डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच और स्वाद अनुसार नमक, अब इसे इस तरह से मिला लेंगे। अब हम इसे ढककर रख देंगे। और वो थाली सही से नहीं बने बैठ रही थी तो ये छोटी थाली ले ली है। और इधर दाल पक चुके हैं और इधर ही टमाटर और सहज भी पक रहे हैं, तो इसे धीमी ही इस पर इस तरह से रख दिया है। जब तक टमाटर गल नहीं जाते तब तक हमें इसी तरह से इसे पका लेना है। और यहाँ पर अरहर की दाल अच्छे से पक चुकी है तो हम इसे एक लोटे में निकाल लेते हैं ताकि मैं अच्छे से मिला पाऊँ। और हमें इस दाल में डालने के लिए थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रख देती हूँ उसी कुकर में। और इधर मैंने चावल भी भिगो कर रख दिए हैं, भीगे हुए चावल के ना, भीगे हुए जो हम चावल भिगो कर बनाते हैं ना, बहुत नरम और एकदम खिले खिले से चावल बनते हैं, आप कभी बना कर देख लेना। तो इस दाल में मैंने थोड़ी सी हल्दी पाउडर और नमक डाल दिया और इसे मिला दिया है कि सब्जी में भी नमक है और हल्दी पाउडर भी डाला है, तो बिल्कुल थोड़ा सा इस दाल में डालकर मिला दिया है। और इधर हम इसे भी 1-2 बार इस तरह से चलाते रहेंगे। तो टमाटर अभी गले नहीं है, जब तक टमाटर गल नहीं जाते तब तक हमें इसे पका लेना है। और इधर ये पानी भी अच्छे से गर्म हो चुका है तो इस दाल में हम डाल लेंगे। तो हमें जितनी पतली दाल चाहिए उतनी पतली कर लेंगे गर्म पानी डालकर। तो हम इसे साइड में रख देंगे, जब तक टमाटर पक रहे तब तक मैं इधर चावल भी रख देती हूँ। तो भीगे हुए ये चावल है तो तुरंत ही हमारे चावल अच्छे से पक जाएंगे। तो इसमें नमक डालकर इसे ढककर रख दूंगी उसी कुकर में। सुबह के टाइम ना बहुत हड़बड़ी होती है, सबको भूख लगती है और थोड़ा सा ऐसा खाना बनने में लेट भी हो जाता है। तो नहाकर पूजा कर लिए, पूजा करने के बाद फिर मैं चाय वाय बनाकर फिर खाना बनाने आई। तो अब सुबह के 9 बज रहे तो फटाफट से बना लेना होगा क्योंकि दीपक दिनेश पापा जी सब नहाकर बैठे खाना खाने के लिए। तो टमाटर अच्छे से गल चुके और सहज भी अच्छे से पक चुके, तब मैंने ये दाल इसके अंदर डाल दी है। तो पतली सी दाल हमारी बनकर रेडी है और इसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई है। एक बार आप भी बनाकर देख लेना, बहुत अच्छी खुशबू और बहुत टेस्टी दाल लगती है। अगर आप एक बार खाओगे ना तो इसका स्वाद नहीं भूल पाओगे, इतनी अच्छी बनती है। तो बाद में डाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और इस तरह से एक उबाल आने दिया है। अब हम इसे उतार कर रख देंगे और इसका कलर तो देखिए आप, जैसे होटल में बनती है बिल्कुल उसी तरह से बनी है ये दाल। तो दाल उतार कर रख दी है, अब फटाफट से बना लेते हैं रोटी। इधर चावल भी पक रहे तो ये ज्वार का आटा मैंने छान लिया है, अब इसका फटाफट से रोटी बना लेती हूँ क्योंकि पापा जी ना चपाती नहीं खाते हैं, उन्हें ज्वार की रोटी ही चाहिए। तो यहाँ पर गाय के लिए 2 छोटी छोटी रोटियाँ बना ली है और ये आटा अच्छी तरह से दोनों हाथ से मैं मसल मसल कर इस तरह से गूंथ लेती हूँ ताकि रोटी फूली फूली सी बने। और दिनेश के पापा को भी सुबह चाय बनाकर दी थी तो वो चाय पीकर चले गए थे, अब उन्हें अभी भी फ़ोन किया था तो वो भी आ रहे हैं, गरम गरम रोटी और दाल खा लेंगे। और ये ना पोहा या उपमा ये नहीं खाते हैं, उन्हें थोड़ा सा पेट की प्रॉब्लम है, वो सब खाने से उन्हें एसिडिटी हो जाती है, तो इसीलिए
पोहा वगैरह ज़्यादा नहीं बनता है हमारे घर में, ऐसा ही सिंपल सा खाना बनता है, दाल चावल रोटी चावल। तो रोटी मैंने एकदम पतली सी थाप ली है, अब तवे के ऊपर डाल देंगे और इस तरह से तुरंत ही पानी लगा लेती हूँ। अब इसे पलट लेते हैं और इधर दूसरी रोटी भी मैं बना लेती हूँ। पीने का पानी भी भर कर रख दिया है अभी, तो सुबह ना ऐसे ही काम हो जाते हैं, पता नहीं टाइम किधर निकल जाता है। सुबह के 10-11 बजे तक ना मुझे तो टाइम का पता ही नहीं चलता है, बहुत तुरंत टाइम भागता है। तो ये भी रोटी बिल्कुल उसी तरह से पतली सी थाप ली है और दूसरी रोटी को भी मैं पलटते जा रही हूँ। तो ये रोटी अच्छे से सीख चुकी है और ये दूसरी रोटी भी मैं तवे के ऊपर डाल देती हूँ। पहले पापा जी के लिए खाना लगा लेती हूँ क्योंकि वो नहा कर बैठे हैं और वो चाय भी नहीं पीते हैं, तो उन्हें नहाने के बाद खाना ही चाहिए होता है। हम चाय दूध सब पी लेते हैं, उन्हें वो चाय नहीं पीते हैं, उन्हें बस सिंपल सा खाना चाहिए, दाल चावल रोटी बस। तो ये आम का अचार भी दे देती हूँ। तो उन्हें पहले मैं दे आती हूँ, फिर बाद में मेरा काम चलता रहेगा। तो सबने खाना खा लिया है तो मैं आ चुकी हूँ कपड़े धोने, क्योंकि ना बिल्कुल धूप नहीं है, बिल्कुल धीमी धीमी सी धूप है और ऐसा मौसम बना है, अब बारिश आने वाली, वो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो दीपक ये भिंडी का बीज लेके घूम रहा है, इस बोतल में बहुत सारा भिंडी का बीज है, तो उसे वहाँ पर लगा देना है, यहाँ पर खेतों में, यहाँ पर खुली जगह है थोड़ी सी, तो बोल रहा है वहाँ पर लगा देता हूँ। तो कपड़े में सुखा दे रही हूँ फटाफट से, हवा के कारण अच्छे से सूख जाएंगे, धूप तो नहीं है। तो सारे कपड़े इस तरह से फैला दिए हैं। शेष की जगह डालकर आलू की पतली सी दाल बनाई थी, टमाटर वगैरह सब डालकर और चावल और रोटियाँ जवार की रोटियाँ बनाई थी। तो सुबह सबका खाना वाना हो चुका है, दोपहर के लंच का टाइम है, तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया की चटनी बना ली है। तो देखिए ये हरा धनिया बहुत सारा ले आए थे, तो उसके अंदर मैंने टमाटर हरी मिर्च जीरा लहसुन सब डालकर इसे एकदम वहीं मिक्सी में पीस लिया है। तो धनिया की चटनी तैयार है और यहाँ पर आम ले आए थे, तो ये आम रस बनाऊंगी और आटा भी लगाकर रख दिया है। तो ये आटा भी लग चुका है, आम रस, धनिया की चटनी और चपाती दोपहर के लंच के लिए बनाऊंगी फटाफट से। तो आम रस बना लिया है और आटा भी अच्छे से रेस्ट कर चुका है पूरे आधे घंटे, अब फटाफट से चपाती भी बना लेती हूँ। और मैंने हरा धनिया की चटनी भी बनाई है, बस सिंपल सी चटनी बनती है, क्या उसमें लेट है, तो थोड़ी सी चटनी भी बना ली है और यहाँ पर फटाफट से बना लेते हैं अब चपाती। तो ये आटा अभी थोड़ा सा नरम कर ले रही हूँ, अब इससे इस तरह से छोटी छोटी से हम लोइया बना कर रख देते हैं। गैस ऑन कर देते हैं और फटाफट से बना लेते हैं चपाती। तो चपाती मैं इसी तरह से बनाती हूँ, ऐसे अंदर ना थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ ताकि फूली फूली सी चपाती बने। अब इसे एकदम गोलाकार का हम बेल लेंगे। दूसरी चपाती भी बिल्कुल उसी तरह से ऑयल लगा कर बना ले रही हूँ, ऊपर की चपाती भी सेक के दे रही हूँ थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगा लगा कर, तो चपाती तैयार है। तो इसी तरह से मैं सारी चपाती बना लेती हूँ। तो सारी चपाती बनकर रेडी है और ये थोड़ी सी शिमला मिर्च की सब्जी बनाऊंगी सूखी, तो शिमला मिर्च यहाँ पर काट ली, बिल्कुल 2 सब्जी शिमला मिर्च है क्योंकि आमरस है, सुबह की दाल भी है, तो बिल्कुल दिनेश के पापा के लिए बना ले रही हूँ क्योंकि वो चपाती आमरस नहीं खाते हैं, उन्हें
बस थोड़ा सा एक चपाती खा लेंगे, उसके ऊपर नहीं ले लेंगे। और तो इसीलिए उनको ज्वार की रोटियाँ सुबह बनाई थी तो है, तो उसके साथ खाने के लिए शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो इसके अंदर मैंने कड़ी पत्ते और लहसुन डाला है, ज़्यादा कुछ नहीं डाल दे रही हूँ, बस सिंपल सी सूखी सब्जी बना लेती हूँ। तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है और इसी तरह से मिला देंगे। अब डालेंगे शिमला मिर्च, अब लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे मिला दे रही हूँ। और मसालदानी में का नमक ख़त्म हो गया है, तो नीचे डब्बा है बड़ा, उसमें से थोड़ा सा नमक इसके अंदर डाल देती हूँ। तो बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इस तरह से इसे मिलाकर हम ढककर रख देंगे धीमी गैस पर। बस पानी नहीं डालूँगी, सूखी सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। तो ये देखिए सब्जी बनकर रेडी है। चपाती और थोड़ी सी शिमला मिर्च की सूखी सब्जी बनाएंगे दिनेश के पापा के लिए, क्योंकि सुबह की दाल भी है तो अब खाएंगे नहीं, और बच्चों ने और पापा जी ने खाना खा लिया है, हम दोनों ही खाना खाने वाले हैं। अब दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो हमको फोन किया था तो वो आ रहे हैं, और शिमला मिर्च की सब्जी भी रेडी है। तो फटाफट से खाना लगा लेते हैं, वो आते ही होंगे, आने के बाद फ्रेश होकर डायरेक्ट खाना खाने के लिए बैठ जाते, फिर से उन्हें फ़ोन आएगा, फिर चले जाएंगे। ऐसा ही होता है उनका, घर में आने के बाद उनको फ़ोन। तो हमारा खाना लग चुका है, शिमला मिर्च की सब्जी है, चावल है, चपाती है, आम का अचार है और आम रस, और ये है दाल। तो आ जाइए आप भी, खाना खा लेते हैं। सारे काम निपट चुके हैं और यहाँ पर दिनेश चल रही है पढ़ाई, और दीपक ऊपर है छत पर, क्या कर रहा है देखते हैं। तो चलते हैं छत पर। रात भर ना बहुत तेज बारिश थी और हवा भी थी, तो सब कुछ सामान यहाँ पर उड़ चुका है। तो दीपक अच्छे से रख दे रहा है सब कुछ। तो अभी इसी के साथ वीडियो को यहीं पर कर देते हैं एंड, और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।